हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिलेबस फॉर द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री गिवन बाई सी बी एस ई फॉर क्लास टेंथ साइंस का अगर हम सिलेबस यहां पे डिस्कस करें एंड इसी में हम कुछ अपडेट्स भी देखने वाले हैं जो लास्ट सेशन के एग्जाम से डिफरेंट थी सो का वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यू डू शेयर विद य लाइक स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें यहाँ पे है पैटर्न कैसा रहने वाला है इस ईयर का जो पैटर्न है दैट विल बी एटी प्लस ट्वेंटी ये आपका मार्क्स का वेटेज है टोटल हंड्रेड मार्क्स का वेटेज होगा जिसमें से आपका एटी प्लस ट्वेंटी का डिवीजन होगा एटी मार्क्स इज फॉर योर थ्योरी एग्जाम एंड ट्वेंटी मार्क्स विल बी असाइंड यू बाय इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है ठीक है जी एनुअल मीन्स आपका बिल्कुल फाइनल में एट द एंड ऑफ द ईयर एक एग्जाम होगा जो आपके पूरे ईयर की जितना भी आपने स्टडी किया उसके प्रोग्रेस को जज किया जाएगा कि कितना आपने सीखा है कितना आपने प्रोग्रेस किया है एंड उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको 80 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले जो हमारे सेशन रहे हैं उसमें टर्म वन और टर्म टू के बेसिस पे आपके क्राइटेरिया था बोर्ड एग्जाम्स हुए थे आफ्टर टर्म वन एंड टर्म टू राइट एंड उसमें उनका अलग अलग वेटेज रहा उसी के बेसिस पे आपका जो लास्ट रिजल्ट आया वो गया है बट इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है फाइनल एग्जामिनेशन होगा ऐसा टर्म वन और टर्म टू का कोई भी डिविजन नहीं रहेगा पैटर्न की बात करें जैसे लास्ट सेशन में एमसीक्यू बेस्ड आपका रहा था पैटर्न टर्म वन पूरा ही आपका एमसीक्यू गया था देन टर्म टू सब्जेक्टिव गया था इस बार क्लास टेंथ के एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव पैटर्न पे ही वर्क किया जाएगा जो मेजर पोर्शन होगा दैट विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर जैसा अब तक आपके एग्जाम्स आते थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो सब पैटर्न यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा अब बात करें चैप्टर्स के डिवीजन की और वेटेज की कि ये केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में कैसे डिवाइडेड है एंड कौन से चैप्टर्स कम्प्लीटली डिलीटेड है सो so, सबसे पहले आप यहाँ पे डिवीजन देख सकते हो हमारा सारा ही क्लास टेन साइंस के यूनिट को हमने फाइव थीम्स में डिवाइड किया है द फर्स्ट वन इज योर केमिकल सबस्टांसिस नेचर एंड बिहेवियर दिस इज योर केमिस्ट्री पोर्शन ट्वेंटी मार्क्स देन सेकेंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग दिस इज योर बायोलॉजी पोर्शन ट्वेंटी फाइव मार्क्स थर्ड नेचुरल फेनोमिना एंड फोर्थ यूनिट इफेक्ट ऑफ करंट ट्वेल्व मार्क्स एंड थर्टीन मार्क्स दीज आर टोटल फॉर फिजिक्स चैप्टर अगेन ट्वेंटी फाइव मार्क्स वेटेज एंड द रिमेनिंग फिफ्थ यूनिट इज नैचुरल रिसोर्सेज विच इज योअर फाइव मार्क्स सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ एटी मार्क्स एंड ट्वेंटी मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा अगर चैप्टर मेंशन करें कौन कौन से हैं इन यूनिट में तो जो आपका फर्स्ट यूनिट था केमिकल सब्सटेंसेस उसमें फोर चैप्टर हम कवर करेंगे चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर फोर कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर फाइव भी यहाँ पे केमिस्ट्री का ही था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बट जो आपका लेटेस्ट सीबीएसई का इस सेशन का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर डिलीटेड है सो ये हमें स्टडी नहीं करना है नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करें तो उसमें आपका जो थीम था वर्ल्ड ऑफ लिविंग इसके अंदर हमारे पास चैप्टर है चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर सेवन कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन चैप्टर एट रिप्रोडक्शन चैप्टर नाइन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नेक्स्ट थीम पे चलते हैं फिजिक्स में जो आपके नेचुरल फिनोमिन और इफेक्ट ऑफ करंट था उसमें टोटल फोर चैप्टर्स हमें करने हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट इज ये फिजिक्स में आपका काउंट होगा एंड एक लास्ट चैप्टर जो हमने मैं यूनिट में विच इज आर एनवायरमेंट जिसकी वेटेज फाइव मार्क्स थी ये आपका चैप्टर फिफ्टीन है ये भी आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब इसमें से ओवरऑल कौन से चैप्टर थे जिनको हमने मैंशन ही नहीं किया जो पूरे रिलेटेड थे फर्स्ट वर्स केमिस्ट्री चैप्टर फाइव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट चैप्टर फोर्टीन इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिलीटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड चैप्टर सिक्सटीन यर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन तीन चैप्टर्स को हमें बिल्कुल कवर नहीं करना है फॉर दिस सेशन आई होप द डिविजन ऑफ स्ट्रीम्स एंड द सब्जेक्ट इज क्लियर मूविंग ऑन टू द ट्वेंटी मार्क्स फॉर द इंटरनल असेसमेंट ये वो मार्क है जो टीचर आपको बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे अलॉट करेगा फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिकल फाइल के वर्क के बेसिस पे आपने लैब में कैसा परफॉर्म किया है कैसे आपने चीजें हैंडल की हैं आपको प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो दिया जाता है स्कूल से वो आपने कैसे परफॉर्म किया है कैसे कितना उसमें वर्क किया है अदर देन दैट जो आपके पीरियॉडिक टेस्ट होते हैं लाइक सेशन के बीच में जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनके एवरेज मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट में स्कोर दिया जाएगा एंड बीच बीच में अगर कोई भी क्लास टेस्ट है कोई भी होमवर्कस है क्विज प्रोजेक्ट उनका वेटेज भी इंटरनल असेसमेंट इस ट्वेंटी मार्क्स में काउंट किया जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ फॉर सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री गिवन बाई सी बी एस ई इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली इट द कमेंट सेक्शन थैंक यू